नागलोई विधानसभा के वार्ड नंबर 49 में युवा यूथ के 50 लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया समर्थन। युवा यूथ की बात करें तो युवा नेता सबसे आगे खड़ा नजर आता है। ऐसे ही युवा यूथ के नेता प्रवीण बागड़ी के साथ 50 लोगों ने आम आदमी पार्टी के विधायक रघुविंद्र शौकीन को दिया समर्थन पत्र। नागलोई विधानसभा के विधायक रघुविंद्र शौकीन ने युवा यूथ के सभी सदस्यों को माला और आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाकर स्वागत किया। विधायक रघुविंद्र शौकीन ने तहे दिल से युवा यूथ को धन्यवाद दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी को उच्च स्तर तक लेके जाना चाहते हैं। रविंद्र जी, ये बताएं, ये जो आज कोरोना काल के अंदर जनता से आम आदमी पार्टी खड़ी रही और उसके बावजूद भी कुछ लोग और आए हैं आपके पास में जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और जिन्होंने ज्वाइन की भी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे छोटे भाई प्रवीण बागड़ी जी, रोमी बोलते हैं जिन्हें, उन्होंने अपने साथियों के साथ आम आदमी परिवार को ज्वाइन किया है और इनके आने से जो हमारा वार्ड 49 है उसमें आम आदमी पार्टी की शक्ति बहुत बढ़ेगी। पिछली बार इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वहां से इलेक्शन लड़ा था और काफ़ी वोट हासिल करके ये शायद तीसरे या चौथे स्थान पर रहे थे, तो इनके आने से आम आदमी पार्टी को वार्ड 49 जो नांगलोई जाट वार्ड है नॉर्थ दिल्ली MCD का, उसमें बहुत शक्ति मिलेगी। और ये काफ़ी पिछले समय से हमारे साथ बात इनकी चल रही थी, क्यों जो दिल्ली में जो विकास कार्य आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने किए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, आज कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने जो इतने गरीब आदमियों को राशन और पिछली बार पका हुआ खाना और हर तरह की सुविधा दिल्ली सरकार ने दी, उन सभी कार्य को देखते हुए, और दिल्ली सरकार ने ये हमारे यहाँ ज्वालापुरी 4 नंबर में रहते हैं, इनके पड़ोस में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन 3 बार पुरानी सरकारों ने किया और इस सरकार ने उद्घाटन नहीं किया, काम शुरू करके दिखा दिया और 650 बेड का हॉस्पिटल इनके क्षेत्र में बन रहा है। तो इन सब चीजों को देखकर, आम आदमी पार्टी के कार्यों को देखकर इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और मैं दिल की गहराई से इनका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये आम आदमी पार्टी के लिए और इसी तरह समाज के लिए काम करते रहेंगे और आम आदमी पार्टी का नाम ऊंचा करेंगे। हमारे परिवार में इनका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, पीछे भी आपने इलेक्शन लड़ा था, उन पार्टियों को देखते हुए आपने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उसके बारे में बताएं जरा और क्यों ज्वाइन किया? 10 साल से एक्टिव राजनीति के अंदर, ठीक है, जो लास्ट टाइम जो इलेक्शन लड़ा हमारा, एक उसमें आप कहते हैं मेमोरेंडम होता है कि क्या क्या कार्य हम करेंगे अगर हम जीतते हैं तो, उसके अंदर तो क्या था, पिछले 4 साल से हम यही ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन सी गवर्नमेंट सबसे अच्छा काम कर रही है। तो हमारे MLA साहब जो रघुविंद्र शौकीन जी ने हैं और दिल्ली सरकार ने इतना अच्छा काम किया, क्योंकि जो हमारे कार्य थे जिसमें था कि हमारे गली मोहल्लों के अंदर गेट होना चाहिए, गलियां बंद होनी चाहिए, और जो हमारे यहाँ दो एरिया के अंदर एक बीच में हाईवे पड़ता है जो रोहतक हाईवे कहते हैं उसके अंदर, तो उसमें लोगों को रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती थी, तो उसके बारे में फुटेस्ट्रियल पैड चाहिए थे कि रोड क्रॉस करने के लिए पब्लिक जाए, काफ़ी एक्सीडेंट होते थे। और उसके अलावा जो हॉस्पिटल का आपको MLA साहब ने बताया, उसका उद्घाटन मैं भी 3-4 बार देख चुका हूँ, मतलब शायद मैं बड़ा ही हो गया देखते देखते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रघुविंद्र शौकीन जी की अगुवाई में वो काम पूरा हुआ है और वो काम चल रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे काम है जो ऑलरेडी हो गए, तो मुझे लगता है कि अब मुझे साथ मिलकर चलना चाहिए, जिन्होंने हमारे कार्य पूरे किए अब उनके साथ मिलकर हमें आगे कार्य करने हैं। आगे चल के MLA साहब ने जैसे बच्चों की एजुकेशन में, हमारे ज्वालापुरी के अंदर ही एक पुरानी बिल्डिंग थी वो टूटने के बाद उसमें बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज बनेगी प्रॉपर तरीके से, और भी काफ़ी काम है जो क्षेत्र में लगता है चलते आ रहे हैं, तो इसलिए जानकर मेरी ने और मेरी टीम ने उन्हें ज्वाइन किया। सर, अपना परिचय दे पहले। हाँ, मैं अशोक तंवर वार्ड 49 से हूँ और मैं प्रवीण बागड़ी जी के इस आम पार्टी ज्वाइन करने के लिए बहुत खुशी हूँ, क्योंकि ये बहुत कर्मठ हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी ये काम करते हैं अपने मन से करते हैं, इससे हमारी आम आदमी पार्टी को, भाई रघुविंद्र जी के कार्य को बहुत शक्ति मिलेगी और हम सब मिल के इसके लिए बहुत काम करेंगे। और प्रवीण भाई के पास जो युवा शक्ति है, मैं इन युवा शक्तियों का सबका स्वागत करता हूं और आगे हम सब मिलके इस पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। लगड़ी वार्ड है, इसमें ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, पहले भी एक बार इलेक्शन लड़े हैं, ये बहुत अच्छा इनका नेचर है, इसके आने से हमारी पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ा काम जो नांगलोई विधानसभा के अंदर हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रघुविंद्र शौकीन जी ने किया है, जो पिछली सरकारें
मतलब छाती पीट पीट के मर गई, कोई काम नहीं कर पाई। एक हॉस्पिटल था 650 बेड का जी। उसका उद्घाटन करे बगैर वो चालू करा दिया। उसकी दो मंजिल बन चुकी हैं और 2 मंजिल नीचे है, 9 ऊपर है, 11 मंजिल टोटल है 650 बेड का। ये पीकरी बॉर्डर इधर नजफगढ़, मतलब ये पूरे एरिए को कवर करेगा, आधे हरियाणा को भी कवर करेगा ये मान लो। बाकी बहुत सारे काम है, बहुत लंबी लिस्ट है जी जी। तो आज मैं यही कहूँगा प्रवीण बागड़ी जी ने जो हमारा ये जो वार्ड 49 या विधानसभा नांगलोई का है हम जो ज्वाइन किया है, इससे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपका परिवार का कुनबा और बढ़ गया, हमें बड़ी खुशी है और उनकी सभी का हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ।